मेरे चैनल बंसल बायोलॉजी आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं सेल्फ फेट डिटरमिनेशन के बारे में जो कि डेफ बायो का एक टॉपिक है सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस अगर हम यहां पे देखें सबसे पहले हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं सेल्फ फेट डिटरमिनेशन इसका क्या मतलब है आप सबको पता है किस्मत होती है तो फेट का मतलब क्या होता है किस्मत यानी कि एक सेल जो है वो फ्यूचर में जाके क्या बनेगा वो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं जैसे कि अगर मैं देखूं मेरे पास एक जाइगोट है अब हमें पता है कि ये जो जाइगोट है ये डिवाइड होगा डिवाइड होगा डिवाइड होगा और इसमें धीरे धीरे करके सेल्स बनेंगे फिर कोई एक सेल और डिवाइड होगा और वो एंडोडम बनाएगा कोई एक सेल और डिवाइड होगा वो एक्टोडम बनाएगा कोई सेल डिवाइड होगा मसल बनाएगा तो अब यहां पर यही क्वेश्चन होता है कि ये जो सेल है किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि इसको 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 मसल सेल बनना 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 है 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 आरबीसी न्यूरॉन्स क्योंकि अगर हम देखें सारे के सारे सेल्स आए से ही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल है फिर भी अगर हम यहाँ पे देखें ये जो सेल्स हैं कुछ डिवाइड होके आरबीसी बना लेंगे और कुछ डिवाइड होके यहाँ पे बना लेंगे न्यूरॉन्स को और अगर हम आरबीसी और न्यूरॉन्स को देखें तो बिल्कुल डिफरेंट सेल्स हैं लेकिन ओरिजिनेट एक ही जगह से हुए दैट इज इजकोट तो किस तरीके से डिटरमाइन करा जाता है कि कौन सा सेल जाइकोड में जब डिवाइड डिवाइड हो जाएगा तो कौन सा सेल कौन सा सेल बनाएगा यानी कि कौन सा स्टेम सेल जो है हमारा आरबीसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा न्यूरॉन बनाएगा किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है ये सारी चीजें हम इसमें सेल्फेड डिटर्मिनेशन में देखते हैं तो अगर हम यहां पे देखें सेल्फ एड डिटर्मिनेशन में एक चीज आती है टर्म आती है जिसका नाम होता है डिफरेंसिएशन डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि एक सेल ने डिफ्रेंशिएट कर लिया समझिए जब हम छोटे बच्चे होते थे तब तो हमें लगता था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं मतलब हमारे मन में कितना कुछ आता था कि हम एक्टर बन जाएंगे हम इंजीनियर बन जाएंगे हम डॉक्टर बन जाएंगे हम पीएचडी होल्डर हो सकते हैं मतलब हम काफी सारी चीजें हम करते थे कर सकते थे लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमने एक फील्ड चूज कर लिया अब आप लोगों ने एक फील्ड चूज कर लिया कि आपको पी करनी है तो आप लोग क्या हो चुके हैं डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं एक चीज के लिए वैसे ही जब एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसी चीज के लिए तो फिर वो वही करेगा जैसे कि मैंने कहा समझे यहां पर मेरे पास एक स्टेम सेल था अब सेल के पास बहुत सारे ऑप्शन थे बहुत सारे टाइप के सेल्स बना सकता था लेकिन हो चुका और होके समझे समझिए क्या बना लिया इसने आरबीसी बना लिया अब ये आरबीसी ही रहेगा ये सारे वही काम करेगा जो आरबीसी करते है। के काम करते हुए नहीं बैठेगा तो डिफरेंसिएशन का मतलब क्या होता है कि सेल ने अपना स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया है सेल ने ये बोल दिया कि हाँ भाई मैं ही यही स्पेसिफिक फंक्शन करूंगा जैसे आप लोगों ने सोच रहे कि मुझे सीएसआई की प्रिपरेशन करनी है पीएचडी करनी है आपका स्पेसिफिक फंक्शन हो चुका है इसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ चुकी होगी और ये सीज कर चुका है डिवाइड होना अब ये डिवाइड नहीं होगा ये सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन करेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंसिएशन एक सेल क्या हो चुका है डिफरेंसिए हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेल्फ फेट जो होता है determine किया जाते है। किस बेसिस और एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन स्टेप टोटल दो स्टेप होते हैं डिटर्मिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन ठीक है समझे मैंने यहां पे कहा कि मेरे पास एक सेल प्रेजेंट है जो कि हमारा जो कि स्टेम सेल है जिसके पास अभी एबिलिटी है कि वो बहुत सारे सेल्स को बना सकता है अब इसने क्या कर लिया इसने स्पेसिफाई कर लिया इसका क्या, क्या हो चुका है इसने स्पेसिफाई कर लिया कि हाँ भाई मुझे तो यही पर्टिकुलर सेल बनाना है समझो इसने स्पेसिफाई कर लिया कि मुझे तो भाई आरबीसी बनाना है समझिए इसने स्पेसिफाई कर लिया तो अभी मैं इस सेल को क्या बोलूंगी अभी मैं इस सेल को बोलूंगी कमिटेड सेल बोलूंगी? ये सेल कैसा हो चुका है कमिटेड सेल हो चुका है या फिर ये कैसा हो चुका है स्पेसिफाइड सेल हो चुका है यहाँ पर एक बात कैसी होती है समझिए अगर आप यहाँ पे छोटे थे आप क्लास में थे तो टेंथ क्लास में आप लोगों ने पूरा मन बना लिया था कि आपको मेडिकल करना है पूरा मन आपने बना लिया था कि आपको मेडिकल करना है लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आए जिन्होंने आप में इंजीनियरिंग का भूत सवार कर दिया और आपको ये कह दिया कि नहीं आपको तो इंजीनियरिंग करनी है तो फिर आपने क्या किया आपने अपना जो पैशन, है उसको चेंज करके आपका पैशन क्या हो गया इंजीनियरिंग थे उनको आरबीसी बनना है ये कमिट, हाँ कमिट हो चुके थे कि मुझे यही करना है लेकिन बाद में क्या हुआ कि ऐसे सेल्स के कॉन्टेक्ट में आ गए जिन्होंने कहा अरे नहीं नहीं आरबीसी मत बन तू एक काम कर तू एपिड सेल बन जा तो यहाँ पर इसने क्या किया इसने अपना फेट चेंज कर दिया इसने अपना फेट क्या कर दिया चेंज कर दिया और ये एपिडोमल सेल बन गया इंस्टेड इसको क्या बनना था आरबीसी बनना था तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है ये जो कमिटमेंट है ना इसको हम क्या कर सकते हैं इट कैन बी रिवर्टेड इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं जो कमिटमेंट होती है इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको रिवर्ट किया जा सकता है ठीक है ये हो सकता है कि वो जिस एनवायरमेंट में सेल जाए जैसे कि ये वाला जो सेल है ये ऐसे एनवायरमेंट में रहा जहां पे क्या प्रेजेंट थे जहां पे एपिडोमल सेल्स प्रेजेंट थे तो उन्होंने इस सेल को भी बोला अरे क्या करेगा तू आरबीसी बन तू एक काम कर तू एपिड सेल बन जा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है सबसे पहला स्टेप होता है स्पेसिफिकेशन का जो कि एक लेबाइल स्टेप होता है लेबाइल यानी कि कभी भी चेंज हो सकता है ये ऐसा मतलब आपको टोटली नहीं बताता कि आप यही बनोगे इसके बाद का जो स्टेज आता है उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन स्टेज इसके बाद की स्टेज आती है डिटर्मिनेशन स्टेज डिटर्मिनेशन स्टेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो कमिटेड सेल है इसने डिटरमाइन कर लिया कि इसको यही करना है समझे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है उसने 11, में मेडिकल ले लिया नीट क्लियर कर लिया तो अब तो उसका पूरा शॉर्ट शॉर्ट है कि भाई मुझे मेडिकल ही करना है ऐसे यहाँ पर ये जो सेल था इसने क्या कर लिया इसने डिटरमाइन कर लिया कि नहीं भाई मुझको तो क्या करना है मुझको तो आरबीसी ही बनना है मैं तो आरबीसी बनूंगा तो इसने डिटर्मिनेशन किया डिटर्मिनेशन के बाद ये क्या हो गया डिफ्रेंशिएट हो गया ये क्या हो गया डिफ्रेंशिएट हो गया पहले डिटर्मिनेशन होगा फिर इसका deter, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो डिटर्मिनेशन जो है वो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये कैसा होता है नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस ये है कि अगर आप डिटर्माइन हो यानी कि हो गया अब आप यही बनोगे भले ही कुछ भी हो जाए आप यही बनने वाले जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं जैसे कि समझिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे सेल्स है अर्ली स्टेज में बहुत सारे मेरे पास यहाँ पर ब्लास्टोमियोस है मेरे पास बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स है अर्ली स्टेज अर्ली डेवलपमेंट स्टेज की मैं बात कर रूं अब यहां पर एक यहां पे एक सेल है जिसको फ्यूचर में क्या बनना है जिसको फ्यूचर में जाके यहां पे बनना है मसल सेल और यहां पर मेरे पास एक और सेल है जिसको फ्यूचर में जाके क्या बनना है फ्यूचर में जाके इसको बनना है एपिडोमल सेल मेरे पास इस तरीके से दो सेल मैंने देखे दो ब्लास्टोमियोज देखे मैंने जिनको मैंने देखा कि एक को फ्यूचर में जाके बनना है मसल और एक को फ्यूचर में जाके देख बनना है एपिडोमल सेल अब मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर ये दोनों सेल निकाले यहां से मैंने क्या किया ये दोनों सेल निकाले इन दोनों को मैं लेकर गई पेट्री प्लेट में इस तरीके से मैं क्या लेकर गई इनको पेट्री प्लेट में लेकर गई एक पेट्री प्लेट में मैंने यहाँ पर ये मसल वाला ब्लास्टोमियर रखा सेल रखा और इसके आसपास मैंने कौन से सेल्स रखे इसके आसपास मैंने सारे के सारे रख दिए आरबीसी सेल्स

इसको भी मैंने कहाँ पे रखा इसके आसपास भी प्रेजेंट थे आर बी सी लेकिन स्टिल आर बी सी के प्रेजेंस में भी इसने क्या बनाया इसने स्टिल एपिडर्मल सेल ही बनाया स्टिल इसने क्या फॉर्म किया एपिडर्मल सेल फॉर्म किया यानी कि ये वाला जो सेल था ये कैसा था ये डिटरमाइंड था इसने सोच रखा था कि मुझे यही बनना है और वही ये वाला सेल कैसा था ये वाला सेल जो मेरे पास था ये था हमारा स्पेसिफाइड सेल जिसको क्या कर दिया गया जिसको हमने यहां पर कह दिया रिवर्स कर दिया हमने कहा अरे नहीं नहीं छोड़ 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 तो ये क्या करेगा तो वो बन जा तो यहां पर ये कंडीशन कौन सी थी ये वाली कंडीशन थी लेबाई कंडीशन और ये वाली कंडीशन थी नॉन रिवर्सिबल कंडीशन की मुझे यही बनना है तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो दो होता है फेट जब भी हम डिटर्माइंड करते तो दो प्रोसेस में फेट डिटर्माइन होता है पहला जो होता है वो था स्पेसिफिकेशन जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है दूसरा जो होता है वो डिटर्माइंड होता है अगर मैं यहां पर एक टर्म बोलू मैंने आपको क्या बोला कि पहले डिटर्मिनेशन होगा और फिर डिफरेंसिएशन होगा तो हम यहां पर एक टर्म बोल सकते हैं कि जितने भी सेल्स होते डिफरेंशियड से डिफरेंशिएटेड सेल्स आर आर जितने भी सेल्स है वो सारे डिटर्माइंड पहले डिटर्माइंड हुए थे फिर ही डिफरेंशिएट हुए थे लेकिन मैं यहां पे कह सकती हूं बट ऑल डिटर्माइंड सेल आर नॉट डिफरेंशिएटेड आर नॉट डिफरेंशिएटेड मैं ये बात कह सकती हूँ क्योंकि डिफरेंशियेशन जो है वो बाद में होता है और जो डिटरमाइंड है वो पहले होता है तो ऐसा हो चुका है कि सेल अभी डिटर्माइंड हुआ है लेकिन डिफरेंशियट नहीं हुआ तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना अब अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम देख लेते हैं तो टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन में देखें तो हम टोटल तीन टाइप होते हैं एक होता है ऑटोनॉमस एक होता है कंडीशनल और एक होता है सेंसीशन कंडीशनल और एक होता है सेंसीशन टोटल यहाँ पे तीन टाइप होते हैं ऑटोनॉमस कंडीशनल आपको नाम से ही काफी चीजें क्लियर हो रही होगी ऑटोनॉमस यानी कि खुद से कंडीशनल यानी कि कंडीशन कुछ तो कंडीशन में रखा गया है और सेंसीशल एक टोटली डिफरेंट कंडीशन है जिसको हम देखेंगे सबसे पहले लेट्स फोकस ऑन ऑटोनॉमस जैसा कि मैंने कहा ऑटोनॉमस मतलब क्या खुद से

जो कि पहले से बताते हैं कि हाँ यहाँ का जो सेल होगा वो ये बनेगा यहाँ का जो सेल होगा वो ये बनेगा तो यहां पर जो एग है उसमें अगर हम यहां पे देखें सबसे पहली बात ये नॉट ये homogeneous नहीं होता का मतलब क्या होता है कि जितना भी कंटेंट है एग में वो टोटली totally हर एक जगह सेम कंटेंट है यहां 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 पर 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 भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता अगर <coughs> हम यहां पे देखें तो एग का जो ये वाला कंटेंट है यहां पे इस वाली जगह पे कोई और प्रेजेंट होगा समझो यहां पर कोई और साइटोप्लाज्मिक डिटोमेंट वन प्रेजेंट है यहां पे समझिए साइटोप्लाज्मिक डिटोमेंट टू प्रेजेंट है यहां पे समझिए साइटोप्लाज्मिक डिटोर्स 3 है. तो हर एक जगह पे अलग-अलग साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जैसे कि मैंने कहा क्या होते हैं यहाँ पर एमआरएनए होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं एमआरएनए और प्रोटीन्स है जो कि किस तरीके से एक्ट करते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो जीन्स को कंट्रोल करते हैं कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा कौन सा जीन एक्सप्रेस नहीं होगा समझो यहाँ प्रेजेंट है जो कि ऐसे जीन्स को एक्सप्रेस करवा रहा है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है तो यहाँ के जो सेल्स होंगे एग में आगे जाके वो आरबीसी बनाएंगे सिमिलरली ये वाला जो है ये वाले ऐसे जीन्स को एक्सप्रेस करवा रहा है जो कि आगे जाके मसल बनाएगा तो यहाँ पर मसल सेल्स बनेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ऑटोनोमस में क्या है में पहले से ही साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है और वो यहाँ पे फ्यूचर में एम्ब्रियो के सेल्स को बोलेंगे अच्छा तो ये बन तो ये बन तो ये बन किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा ये साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा

इसमें मेरे पास क्या प्रेजेंट है इसमें आप देख सकते हैं यहां पर ये यह पिंक कलर के कुछ सेल्स हैं ये प्रिजम्प्टिव ट्रोकोप्लास्ट सेल्स हैं पिंक कलर वाले जो है प्रिजम्प्टिव ट्रोकोप्लास्ट सेल्स हैं प्रिजम्प्टिव मतलब क्या होता है कि अभी फ्यूचर में जाके ट्रोकोब्लास्ट बनाएंगे आ, ट्रोकोब्लास्ट मतलब क्या है ऐसे सेल्स जिनके पास सिलिया प्रेजेंट होता है सेलियटेड सेल्स अब जब मैंने यहाँ पर इनको नॉर्मली डेवलप होते हुए देखा तो ठीक है इन्होंने क्या बनाया इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से सेलिएटेड सेल बनाया लेकिन जब मैंने इन ट्रोकोब्लास्ट सेल को अलग से निकाल के पेट्री प्लेट में देखा तभी भी इन्होंने क्या बनाया तभी भी इन्होंने यहाँ पे सिलियेटेड हाउ वॉज इट पॉसिबल जब एक सेल ब्लास्टोमियर से निकल चुका है स्टिल वो कैसे बना सकता है सिलियेटेड सेल वो इसलिए यहाँ पर सिलियेटेड सेल बना सकता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी साइटोप्लाज्मिक डिटोमेंट प्रेजेंट है तो तो एग्जाम्पल तो हो गया एग्जाम्पल हो गया ऑटोनॉमस का जिसने बहुत अर्ली स्टेजेस में ये सोच लिया था कि मुझे यही सेल बनना है इसी का ये एग्जाम्पल हमने देखा इसमें स्नेल पटेला में और यही कमिटमेंट जो है यही ये, ये फॉलो करेगा और यही बनाएगा तो इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस दूसरा अगर हम यहां पे देखें तो दूसरा कौन सा आता है एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक और एग्जाम्पल होता है माचो एम एन ए का माचो एम एन ए जो है वो ये भी कैसा होता है ये भी एक साइटोप्लास्मिक डिटर्मिनेंट होता है और ये किस चीज को बनाता है ये यहां पे बनाता है मसल सेल को ये ये जो एम्ब्रियो है वो जैसे जैसे डेवलप होगा उसमें मसल सेल बनाएगा कौन से मसल सेल बनाएगा टेल की मसल सेल बनाता है ये किस में देख रहे हैं हम ये ट्यूनिकेट्स में देख रहे हैं तो ट्यूनिकेट्स की जो मसल सेल्स होंगे टेल की उन सेल्स के पास मार्चो एम आर एन ए होगा और ये कैसा होता है ये एक साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक होता है दिस इज वॉट दिस इज साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक तो मैंने यहाँ पे क्या देखा मैंने यहाँ पर ये बात देखी कि समझो मेरे पास इस तरीके से एम्ब्रियो है इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है बहुत सारे ब्लास्टोमियो इधर मैंने देखा कि कुछ के पास माचो एम आर एन ए प्रेजेंट था और ये जो माचो एम आर एन ए वाले सेल्स थे ये क्या बना रहे थे ये यहाँ पे बना रहे थे मसल ये यहाँ पे किसके सिंथेसिस कर रहे थे मसल के अब समझे अगर मैंने यहां से क्या कर दिया ए एक कंडीशन मैंने ली जिसमें से मैंने ऐसे सेल्स को रिमूव कर दिया जिनके पास क्या प्रेजेंट था जिनके पास माचो एमआरएनए प्रेजेंट था अगर मैंने ऐसे सेल्स को रिमूव कर दिया जिनके पास माचो एम नहीं था इस कंडीशन में जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ इस कंडीशन में जो ट्यूनिकेट बना उसके पास क्या नहीं थे उसके पास नो टेल मसल थी उसके पास कोई टेल मसल थी ही नहीं क्योंकि माचो एम आर एन ए वाली सेल्स तो आपने हटा दी और माचो एम आर एन एक ऑटोनॉमस का था मैसेज तो आपने वो हटा दिया तो नहीं होगा ये इसी तरीके से अगर मैंने यहां से बाहर क्या कर दिया बाहर से मैंने इंजेक्ट कर दिया माचो एमआरएनए को किसी और सेल में मैंने माचो एमआरएनए को इंजेक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में यहां पर भी एक, एक एक्स्ट्रा मुझे मिल जाएगी टेल मसल जो कि नॉर्मली नहीं हो रही थी लेकिन मुझे अब एक्स्ट्रा टेल मसल मिल गई तो ये हमने दो एक्सपेरिमेंट करके देखे सबसे पहले में मैंने क्या किया ऐसे सेल्स को हटा दिया जिनके पास मैचो, मैचो माचो एमआरएनए था वो मैंने हटा दिया तो यहाँ पे मसल ही नहीं बनी टेल मसल ही फॉर्म नहीं हुई टिंडिकेट्स में

कंडीशनल स्पेसिफिकेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि आप उसको किस कंडीशन में रखते हो जो कोई भी सेल है उसको आप किस कंडीशन में रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है तो यहां पर क्या होगा यहां पर ये चलता है सेल टू सेल इंटरेक्शन के बेसिस पे समझे जैसे मैंने पहली कंडीशन में आपको बोला था कि जो बच्चा है उसने सोच रखा है कि मुझे पायलट बनना है बचपन से भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा जो है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है और उन बच्चों का बहुत ज्यादा उस पर इंपैक्ट पड़ता है वो बच्चे अगर इंजीनियरिंग करने जाते तो ये भी इंजीनियरिंग करने चल जाता है तो उसमें क्या हुआ उसमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हाँ हमको ये करना कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में भी कुछ इसी तरीके से होता है यहां पे क्या होगा सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं जक्स्टा क्राइन जक्स्टा क्राइन फैक्टर के थ्रू ये इंटरेक्ट कर सकते हैं जक्स्टा क्राइन फैक्टर का मतलब क्या होता है ये दोनों सेल जो है वो कैसे आ रहे हैं फिजिकली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं या फिर दूसरा तरीका होता है कि ये सिक्रीट करेंगे दूसरा तरीका होता है सिक्रीट करते हैं सिग्नल यानी कि यहाँ पर क्या हो गया एक सेल जो है उसने क्या किया सिक्रीट किया कोई सिग्नल को दूसरे सेल ने सिग्नल को रिसीव किया और फिर इस सेल ने डिटरमाइन किया कि हाँ मुझको तो ये बनना है उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ इसका डिटरमाइन हुआ फेट एक ये तरीका भी होता है और तीसरा तरीका होता है कि जो सेल यहाँ पर है उसके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी है तो यहां पर अगर हम देखें सेल्स लोकल एनवायरमेंट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल का खुद का कुछ नहीं है खुद उसने नहीं सोच रखा है उसका जो एक्सपोजर उसको जैसा मिल रहा है उस बेसिस पे वो डिटरमाइन कर रहा है है कि उसको क्या बनना है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं समझिए मेरे पास यहाँ पर एक अर्ली एम्ब्रियो है हमें पता है फ्यूचर में जाके दो पोर्शन बनते हैं एक बनता है डोर्सल पोर्शन और एक बनता है वेंट्रल पोर्शन फ्यूचर में जाके हमेशा यही होता है। तो मैंने यहां से क्या फ्यूचर में, में जाके डॉर्सल साइड बनना था फ्यूचर में जाके डॉर्सल साइड बनाने वाला था तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ प्रिजमटिव डॉर्सल सेल प्रोर्सल सेल है प्रेजमटिव मतलब क्या होता है फ्यूचर में जाके ही बनेगा मैंने क्या किया मैंने इस प्रोर्सल सेल को कहीं और इंजेक्ट कर दिया और कहीं और यानी कि किसी और एम्ब्रियो में मैंने इंजेक्ट कर दिया और किसी और एम्ब्रियो के मैंने वेंट्रल साइड में इसको इंजेक्ट कर दिया तो यहां पर क्या होगा इसका ये वेंट्रल साइड है इसका ये डॉर्सल साइड है यहां पर मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने इसको इंजेक्ट कर दिया है सेकेंड एम्ब्रियो में जब मैंने इसकी डेवलपमेंट देखी अब जब मैंने इस सेल की डेवलपमेंट देखी तो मैंने क्या देखा कि इस सेल ने क्या फॉर्म किया इस सेल ने यहाँ पे फॉर्म किया है वेंट्रल साइड वाली चीज इंस्टेड ऑफ डॉर्सल साइड उसने क्या फॉर्म किया है वेंट्रल साइड फॉर्म किया अगर ये यहां पर रहता तो यहां पर ये फ्यूचर में जाके क्या बनाता डॉर्सल सेल ही बनाता लेकिन यहां पे आके इसने क्या बना लिया वेंट्रल सेल बना लिया वेंट्रल कंडीशंस बना लिए तो इससे मुझे क्या पता चला इससे मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या होगी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो गई है ये जो सेल है ये कॉन्टेक्ट में आया बाकी सेल्स के उस उसपे और बाकी सेल्स ने जैसा उसको किया उसकी वजह से हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है उसका बाकी सेल्स के साथ अब ये इंटरेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें जैसा कि मैंने कहा ये सिग्नल रिलीज करता है तो इन सिग्नल्स को क्या बोला जाता है मॉर्फोजन बोला जाता है एक सेल जो है मॉर्फोजन रिलीज करेगा जिसको दूसरा सेल रिसीव करे अगर हम और क्लैरिटी के लिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो समझिए पर मेरे पास ये ये चार सेल्स हैं। चारों के चारों कैसे सेल्स हैं? ये हैं फ्यूचर मसल्स है जो कि आगे जाके क्या बनाने वाले हैं आगे जाके मसल सेल बनाने वाले इसमें से मैंने क्या किया इसमें से मैंने एक मसल सेल को एक सेल को मैंने क्या किया एक सेल को मैंने ग्राफ्ट कर दिया पे ग्राफ्ट कर दिया ऐसी जगह पे जहां पे फ्यूचर में जाके एपिडर्मल सेल्स बनने वाले थे तो इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है ये प्रेजेंट एपिडर्मल सेल और मैंने यहाँ पे क्या, क्या ग्राफ्ट कर दिया इस वाले सेल को ग्राफ्ट कर दिया ये क्या थे ये थे फ्यूचर एपिडर्मल सेल जो कि आगे जाके एपिडर्मल सेल बनाने वाले थे तो अब क्या होगा ये जो सेल्स है ये क्या रिलीज करेंगे ये सेल्स जो है रिलीज करेंगे मोर्फोजन को मॉर्फोजेंस को रिलीज होने की वजह से जो मसल सेल है अब वो मसल सेल नहीं बनाएगा वो क्या बनाएगा वो यहाँ पे बैठ के एपिडोम सेल ही बनाएगा तो यहाँ पर इसने क्या बना लिया ये भी बन गया सेल तो इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं अगर डोनर सेल चेंज हो गया डोनर सेल जो है उसने किसका फेट ले लिया उसने फेट ले लिया रेसिपिएंट का तो फिर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जिसमें आसपास के इंट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल आता है तो इस तरीके से यहाँ पे यह सेकेंड था जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन तीसरी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो होती है सिंसीशियल स्पेसिफिकेशन जो कि स्पेशली ड्रोसोफिला में देखी जाती है ये कौन सी होती है इसको हम बोलते हैं सिंसीशियल स्पेसिफिकेशन सिंसीशियल कंडीशन पहले हम समझते हैं कि क्या होता है इसमें अगर हम यहाँ पे देखें देखेंशन कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब क्लीवेज होता है तब क्लीवेज में साइटोकाइनेसिस नहीं होती सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है कहने का क्या मतलब है ओनली न्यूक्लियस डिवीजन होता है सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है बहुत बाद में जाके साइटोकाइनेसिस होता है यानी कि सेल में बनती है पहले न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहा है तो यहां पर क्या होता है एक सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियाए प्रेजेंट है कंडीशन को हम क्या बोलते हैं अब हम यहाँ पे देखिए सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो सिंसिशियल स्पेसिफिकेशन एक ऐसी स्पेसिफिकेशन होती है जिसमें दोनों चीजें आती हैं जिसमें ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन भी आएगा और जिसमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी आएगा कहने का क्या मतलब है कि जिसमें यह भी देखा जाएगा कि उसकी लोकेशन कहाँ है कि कहाँ प्रेजेंट है और उसमें यह भी होगा कि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो भी यहाँ पे डिटर्माइन करेंगे तो दोनों चीजें यहाँ पे क्या होती है सिंसीशियल स्पेसिफिकेशन में पार्ट लेती है ये किस में देखा जाता है जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें ड्रोसोफिला में देखा जाता है अगर आपको इससे रिलेटेड देखना है तो आप ड्रोसोफिला के एंटीरियर इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटोमिनेशन को देख सकते हैं या फिर ड्रोसर वेंट्रल एक्सिस डिटॉमिनेशन को देख सकते हैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ऑटोजोमल है और किस तरीके से कंडीशनल है या इनका इन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीन, हो, तीन स्पेसिफिकेशन होते हैं सबसे पहला ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस जो है फेट यहाँ पर सबसे पहला ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस इज लाइक वो बच्चा जिसने सोच रखा है कि मुझे यही करना है तो ये अर्ली डेवलपमेंट में उसको पता है इट नोस कि इसको क्या बनना है वहीं अगर हम यहाँ पे देखें कंडीशनल वाला जो है वो क्या करता है कंडीशनल वाला इंटरेक्ट करता है बाकियों के साथ और उस हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है और सिंसेशन वाला जो है वो दोनों चीजें करता है जैसा कि ड्रॉसोफिला में देखा गया था तो बहुत चीजें ये करता है